सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं हूं दिनेश लाल यादव निरहुआ और आप देख रहे हैं मुजफ्फरपुर जनता की आवाज। अपनी बाग स्थित प्रधान डाकघर कार्यालय में एक डाक कर्मी के कोरोना संक्रमित पाए जाने की जानकारी के बाद पूरे कार्यालय परिसर में हड़कंप मच गया। बुधवार को प्रधान डाकघर में विशेष कोरोना जांच अभियान चलाया गया, जिसमें सभी कर्मियों को कोरोना टेस्ट किया गया। टेस्ट के दौरान चार और कर्मियों के कोरोना संक्रमित होने के बाद से कर्मी दहशत में हैं। प्रमंडलीय सचिव प्रेरित कुमार ने बताया कि नगर निगम की ओर से पूरे कार्यालय को सैनिटाइज कर दिया गया है। कार्यालय में कामकाज पहले की तरह ही चल रहा है। कर्मियों को सुरक्षित दूरी बनाकर और कोरोना गाइडलाइन का पालन कर काम करने की सलाह दी गई है। उन्होंने सिविल सर्जन और जिलाधिकारी से अपील की है कि सभी कर्मियों को कोरोना का टीका दिया जाए। 45 वर्ष उम्र की जो बाध्यता है उसे हटा दिया जाए। देखिए, आज जो है सो परसों एक कर्मी यहाँ पर पॉजिटिव पाए गए थे। उसके बाद हम लोग सिविल सर्जन साहब से मिलके अनुरोध किए थे, उसी के तहत ये कैंप आज यहाँ लगाया गया है और अभी तक 150 लोगों का लगभग टेस्ट हुआ, उसमें चार कर्मी पॉजिटिव पाए गए हैं। आपको पता ही है कि कोरोना का दूसरा लहर जो है सो काफ़ी खतरनाक तेज़ी से बढ़ रहा है। खासकर हम डाककर्मी जो हैं तो तमाम तरह की सेवाएं, काउंटर पर मेल की सेवाएं, आधार की सेवा, पासपोर्ट बनने का सेवा, तमाम तरह की सेवाएं दे रहे हैं, तो हम लोग पर तो संक्रमण का काफ़ी खतरा है। कल हम लोग मिलकर सिविल सर्जन साहब से मांग भी किए हैं कि 45 से कम उम्र के भी जो डाककर्मी हैं उनका वैक्सीनेशन कराया जाए। सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के लिए वो बोले हैं तो आशान्वित हैं हम लोग। मांग करते हैं जिला प्रशासन से और सिविल सर्जन महोदय से कि 45 साल से कम के भी उम्र के भी जो डाक कर्मी हैं उनका जल्द से जल्द वैक्सीनेशन।